योगी सरकार भले ही अपराध रोकने के लिए बदमाशों के एनकाउंटर कर रही हो, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कौशाम्बी के कोखराज थाने क्षेत्र का है, जहां के कसिया गांव में एक घर देर रात डकैतों ने हमला बोल दिया। जब 22 साल के ब्रजेश ने जब डकैतों का विरोध किया तो डकैतों ने उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बेटे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची ब्रजेश की माँ रूपरानी को भी डकैतों ने पीट पीट कर घायल कर दिया। सूचना मिलने के बाद अधिकारियों के साथ पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाहाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने NH2 में जाम लगा दिया। बंद था, पास के ही हैं, तरुण हैं, उनकी लड़की आई, हमेशा आती जाती थी, उनको मतलब देखती थी, तो देखा खुला नहीं था दरवाजा, वहाँ गेट से झाँक कर देखा तो खून दिखाई पड़ा। कैसे हत्या की गई है? अब ये तो पता क्या पता कैसी हत्या हुई, लेकिन यह है कि धारदार हथियार से बच्ची को काटा गया है, उसकी माँ को भी मारा गया है। एक विजय नाम के 24-25 साल का युवक है, उसकी हत्या हुई है और बदमाशों ने उसकी माँ को भी मारा पीटा है। वो गंभीर हालत में अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पे सभी अधिकारियों ने भ्रमण किया है और उसकी गहराई से जांच हो रही है। अभी FIR नहीं लिखी गई है और शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाए।